आयरलैंड के साथ क्या किया है ये आयरलैंड के साथ नंबर वन टीम ने ये जरूर बताया आयरलैंड को कि भाई हम नंबर वन है, हम वो वाले झटके नहीं है कि जिन्हें तुम हरा दोगे। हार्दिक पांड्या अगर आप देखें तो ही इज अ स्टार, ही इज अ सुपरस्टार, ही इज चैंपियंस ट्रॉफी से लेके जब तक तो इसने मेक श्योर किया भाईजान फैंटी इसने लगानी लगानी होती है वो छोड़ता नहीं है, ये पूरा पूरा क्रिकेटर है। दो डिजिट में एक आधा बॉलर जा रहा है, मेडन मेडन ओवर हो रहा है। हार्दिक पांड्या ने आज कईयों के मुंह नहीं सब कुछ बंद कर दिया विद सेंसेशनल परफॉर्मेंस, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टेकिंग थ्री विकेट्स एंड बॉलिंग सम सेंसेशनल डिलीवरीज विद अ ग्रेट पेस। लेकिन जिस तरह से अर्शदीप सिंह, सिराज, बुमराह, हार्दिक पांड्या ये भी कोई चार फास्ट बॉलर कम नहीं है, ये भी बहुत बड़े बॉलर है। जिस तरह की बॉल कर रहे मुझे डर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान टॉस हार गया पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान को मिलगी तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है अगर आपका बाबर रिजवान गए तो ये तो वो लंका वाला हाल हो जाएगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे पाकिस्तान में यही बातें बार बार होती रहती है कि भाई हमने इंडिया को हराना है, हमने इंडिया को हराना है। और भाई तुम देखो तो सही कि इंडिया वाले कर क्या रहे हैं, उनको हराने की बाद में करना, इंडिया को हराना मजाक नहीं है, इंडिया को हराना बिल्कुल मजाक नहीं है। इंडिया को हराने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज जिस किस्म की क्रिकेट इस टाइम पर टीम इंडिया खेल रही है उनको हराना इम्पॉसिबल है। इंडिया दूसरा मैच खेल रहा है इस क्रिकेट पे, पहले खेला बांग्लादेश से, अब खेला इंडिया आयरलैंड से। इंडिया ने तो 182 बनाए थे, अगर पंत बाहर ना जाता अपने 50 करके तो 200 भी होते, सबको पता है। तो कहने की बात यह है कि यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, पाकिस्तान पिच देख के जीता हुआ है। इंडिया के पास हार्दिक पांड्या को मिला के चार पेसर है भाई, मतलब आप अंदाजा मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये पाकिस्तान का क्या होगा उस दिन, और मेरे बोपर का क्या होगा उस दिन, बोपजी का घंटे का क्या होगा उस दिन, इंडिया तो छोड़ ही नहीं रहा किसी को। मुझे टेंशन हो रही है अभी से वर्ल्ड कप की, पता नहीं 9 जून को हमारे साथ आयरलैंड के साथ क्या किया है ये आयरलैंड के साथ नंबर वन टीम ने ये जरूर बताया आयरलैंड को कि भाई हम नंबर वन है, हम वो वाले झटके नहीं है कि जिन्हें तुम हरा दोगे। अब किनको हरा देते हैं वो ये आपको बेहतर पता है यार, जो सीधी और साफ सीधी सी बात है, वरना मुझे तो लग रहा था कि 65-70 रन पे पैक हो जाएंगे। 140 रन आयरलैंड बना सकती थी अगर ऊपर खेलती, मैच को थोड़ा उन्होंने मायूस कुन तो बना लिया कि इंडिया ने बताया कि हम नंबर वन है। कुछ लोग हो सकता है पिच पिच का रोना रोए, इंडिया दूसरा मैच खेल रहा है इस विकेट पे, पहले खेला बांग्लादेश से, अब खेला इंडिया आयरलैंड से। इंडिया ने तो 182 बनाए थे, अगर पंत बाहर ना जाता अपने 50 करके तो 200 भी होते, सबको पता है। तो कहने की बात यह है कि यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, पाकिस्तान पिच देख के जीता हुआ है। इंडिया के पास हार्दिक पांड्या को मिला के चार पेसर है भाई, हार्दिक पांड्या रन वन देता है पर इंटरनेशनल इवेंट में लास्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में 3 आउट किए मैं उसने यार, वो भाई मैच विनर है, मजाक होता है अपनी जगह। चार पांच बॉलर है हर्षदीप, जिस तरह से बॉलर स्विंग कर रहा है, मुंह का बॉल पिट रहा है भाई, मुंह पे 2 बार बॉल हुआ है और छक्का लगा है उस पे। विकेट ले रहा है, हर्षदीप ले रहा है, विकेट धीराज ले रहा है, विकेट बुमराह ले रहा है, विकेट अक्षर ले रहा है। तो ये आयरलैंड को जो शिकस्त की तरफ जा रहा है लेकर ये इंडिया, ये इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से लेके जा रहा है कि तुम्हारी औकात इतनी है, अच्छा तुम ये करो। 100 रन की भी नहीं थी इनकी औकात, नहीं थी ना। तो आज जो आयरलैंड के साथ हुआ है इसके बाद बाबर आजम पे सवाल है मेरा कि भैया ये तुम्हारे पास से जीत के कैसे गए आयरलैंड, ये तुम पे सबसे ज्यादा रन कैसे मार के गए, तुमने यार 200 भी नहीं मारे इनके ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये औकात है आयरलैंड की, अगर तुम कहीं छुप के देख रहे होगे ना तो तुम्हारा मैच भी आयरलैंड से। मैं यही चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पेसर बन के बजा दिया पकड़ के इंडिया ने। इंडिया ने ये चीज आपको बताई है कि वो किसी एक बॉलर पे किसी एक बैट्समैन पे किसी एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं करते, वो पूरी टीम आपको मिलके परफॉर्मेंस देगी। आप जितना मर्जी हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर लो, जितना मर्जी आप जो है वो इंडियन टीम को ट्रोल कर लो, लेकिन जब वो एक होके खेलते हैं उनसे बेहतर कोई टीम नहीं होती। ये आज इंडिया की टीम ने आपको बता दिया, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है हार्दिक पांड्या ने, बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, बजा दिया पकड़ के। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी जबरदस्त जो है वो आज टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है। टीम इंडिया ने पकड़ के आज बजा दिया है, मतलब आप अंदाजा मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये पाकिस्तान का क्या होगा उस दिन, और मेरे बोपर का क्या होगा उस दिन, बोपजी का घंटे का क्या होगा उस दिन, इंडिया तो छोड़ ही नहीं रहा किसी को, वो बख्शी नहीं रहे किसी को यार। बाबर आजम का क्या होगा उस दिन, क्या करेगा बाबर आजम, खेल पाएगा हर्षदीप सिंह को, खेल पाएगा जसप्रीत बुमराह को, खेल पाएगा मोहम्मद सिराज को, खेल पाएगा हर्षदीप सिंह को? और हर्षदीप सिंह वसीम अकरम लग रहा था मुझे, हर्षदीप सिंह है या वसीम अकरम है जो खेला ही नहीं जा रहा। और भाई क्लास है उन लोगों की, वो एक बन के खेलते
और जिस दिन वो एक बन के खेलते हैं ना, वो फाड़ देते हैं सबकी। मतलब आप अंदाजा लगा दो, इतनी भी थकी हुई पिच नहीं थी या इतनी भी थकी हुई आयरलैंड की टीम नहीं थी जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है। रोहित शर्मा जैसा कप्तान, उस जैसा माइंडसेट मैं लिख के देता हूं, इस टाइम प्रेजेंट क्रिकेट में किसी के अब्बे के पास भी रोहित शर्मा जैसा माइंडसेट नहीं है कि भाईजान हार्दिक पांड्या 3 विकेटें वो ले गया है, जसप्रीत बुमराह पहला ओवर मेडन करके जा रहा है फिर दूसरे में विकेट ले रहा है, हर्षदीप सिंह पहले 2 ओवरों में 2 विकेट ले रहा है, और बलबर्नी को समझ नहीं थी आ रही, आयरलैंड को पैक कर दिया 90 के आसपास। पांड्या ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हुए विकेटें भी ली और एक स्टेज पे ही वाज ऑन हैट्रिक, ऊपर नीचे पिछले ओवर में आखिरी गेंद पे आउट किया, फिर अगले ओवर की पहली गेंद पे आउट किया, तो करते कराते बहुत ही बेहतरीन और शानदार रुक है। आपने देख लिया क्या हो रहा है, ये तो मेहरबानी थी इंडियन फील्डर्स की, 84 पे ऑल आउट हो जाते हैं, उससे पहले ये 70 तक ये टीम थी, ये तो मेहरबानी कर दी रोहित शर्मा ने, हार्दिक है अपना बुमराह के ओवर रोके रखे, वो आया पहली बॉल पे खत्म छुट्टी, वो पैड से चौका, अगली बॉल पे लिटिल को बिक कर दिया, ये टीम है, ये वर्ल्ड कप है, देखें ये वर्ल्ड कप में आज जो इंडियंस गए हैं इन्होंने इस मुर्दा घोड़े में, इस मुर्दार विकेट में, यह वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड से जुल्म है, ज्यादती है, बड़ी शानदार बॉलिंग की है बुमराह ने, सिराज ने, हर्षदीप ने और अक्षर ने, यूं 2 डिजिट में एक आधा बॉलर जा रहा है, मेडन मेडन ओवर हो रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने आज कईयों के मुंह नहीं सब कुछ बंद कर दिया विद अ सेंसेशनल परफॉर्मेंस, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टेकिंग 3 विकेट्स एंड बॉलिंग सम सेंसेशनल डिलीवरीज विद अ ग्रेट पेस। लीड भाई मैच तो यार इंडिया का चल रहा है, आप क्यों परेशान हुए बैठे हो? यार माना कि आज इंडिया का मैच है, ये भी मानता हूँ बड़ा जरूरी मैच है, लेकिन जो मैं चीज देख रहा हूँ ना, मुझे एक चीज बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, अगर ये पिच मिलता है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे फास्ट बॉलर बड़ा ज्यादा डोमिनेट करेंगे, लेकिन एक चीज जो बार बार हम लोग भूलते जा रहे हैं वो ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर इस पिच में बॉलिंग कर रहे हैं वो कितनी खतरनाक करेंगे। हम तो कहते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर बड़े जबरदस्त बड़ी अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पिच के ऊपर से पहले बॉलिंग की नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हर्षदीप सिंह, सिराज, बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये भी कोई 4 फास्ट बॉलर कम नहीं है, ये भी बहुत बड़े बॉलर हैं, जिस तरह की बॉल्स कर रहे मुझे डर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान टॉस हार गया, पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान को मिल गई, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, अगर आपका बाबर रिजवान गए तो ये तो वो लंका वाला हाल हो जाएगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ऊपर से जितनी ये स्लो आउटफील्ड है कि ऐसी प्यारी प्यारी कवर ड्राइव भी चौका नहीं हो रहा, तो मैं तो परेशान हो गया कि बाबर आजम के रन कैसे आएंगे, बाबर तो छक्का मारता ही, फास्ट बॉलर को से छक्का मारा ही नहीं हुआ कभी इतने अरसे से, इतने सालों से वर्ल्ड कप के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर, तो बाबर को जब चौका नहीं मिलेगा बाबर तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे पवन फील्डिंग ने पहली बॉल के ऊपर निकल के हर्षदीप को चौका मारने की है, इतनी प्यारी शॉट, वो भी चौका नहीं हुई थी, यहाँ पे चलने से छक्के है, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। देखो जो भी है पाकिस्तान के बॉलर बड़े खतरनाक है, बड़ी शानदार इस पिच के ऊपर बड़ी तबाही बॉलिंग करेंगे, लेकिन फिर भी जितनी मर्जी आप अच्छी बॉलिंग कर लो 120-130 तो हो ही जाएगा ना, सवाल ये आता है वो 120-130 चेस कैसे करेंगे, ये डेडलीस्ट विकेट है और इसके ऊपर बॉलर्स को उनको आइडिया हो गया बुमराह, हर्षदीप, सिराज को किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करनी है, पाकिस्तान को तो पहला मैच समझने ही नहीं लग जाता है कि किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है, आपने देखा हर्षदीप लेफ्ट आर्म बॉलर का कितने उसने वाइड कर दिए,